नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 450 एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं और 25% पर ईयर की ग्रोथ रेट से इनका काउंट इंक्रीज हो रहा है। हाई स्टार्टअपीडियंस, मैं हूं नितिश बस्सी और आज आपके लिए लाया हूं 5 मोस्ट यूनिक एग्रीटेक स्टार्टअप्स जो इंडिया में एग्रीटेक सेक्टर में अपनी पहचान बना चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ इंडिया का गोल्ड माइन है, वही ये सबसे अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड सेक्टर भी है। ऐसे में एग्रीटेक स्टार्टअप्स इंडियन फार्मर्स के बहुत से इश्यूज जैसे एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और बहुत से एस्पेक्ट्स में हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी रीजन से हमारी गवर्नमेंट भी इन एग्रीटेक स्टार्टअप्स को हेल्प और मोटिवेट करने के लिए बहुत से स्टेप्स लेती है। जैसे कि बात करें नीति आयोग की, जो फार्मर्स को क्रॉप यील्डिंग के रिगार्डिंग सभी एडवाइस करते हैं। चलो अब बात करते हैं 5 मोस्ट यूनिक एग्रीटेक स्टार्टअप्स की। नंबर 1 पे आता है दोस्तों एग्रोस्टार। एग्रोस्टार 2013 से फार्मर्स के लिए बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आज की डेट में ये 5 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स के साथ इंडिया का लीडिंग एग्रीटेक स्टार्टअप है, जिसका सोल मोटिव है #helpingfarmers। शार्दुल और शितांशु शेख ने इस एग्रीटेक स्टार्टअप की शुरुआत रियल टाइम एक्सपर्टीज ऑन क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी के लिए की है। ये महाराष्ट्र बेस्ड ऐप 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जहां फार्मर्स को 7 डेज वेदर फोरकास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। एग्रोस्टार को $42 मिलियन की फंडिंग मिली है, जिसे यूज करके ये अपने ऑपरेशंस गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन भी रन करते हैं। आने वाले 5 सालों में ये एडवाइस के साथ साथ सर्विसेज जैसे डोरस्टेप डिलीवरीज, हेल्पलाइन ऐप और कनेक्टिंग टू लोन लेंडर भी प्रोवाइड करेंगे। सेकंड स्टार्टअप है दोस्तों फार्म कार्ट। अतुल पटीदार ने फार्म कार्ट की शुरुआत 2017 में बरवानी से की थी। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फार्मर्स अफोर्डेबल रेट्स पर कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स और सीड्स खरीद सकते हैं। इसके साथ इनके रेंट फॉर फार्म सर्विसेज के अंडर फार्मर्स सिकल से लेकर कल्टीवेटर तक सब रेंट पर ले सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स आपको 24 से 36 घंटों के अंदर आपकी लोकेशन पर डिलीवर हो जाते हैं। और अगर आप चाहें तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी एडवाइस आप इनके एग्रोनॉमिस्ट से ले सकते हैं। इन्होंने 2021 में 15 करोड़ की फंडिंग रेज की थी, जिस पर अतुल ने फ्यूचर प्लान्स के लिए और भी फंडिंग रेज करने की बात की है। फार्म कार्ट को द टॉप 50 ग्लोबल इनोवेटिव स्टार्टअप्स 2018 में भी जगह मिली और पीएम मोदी ने भी मन की बात शो के 70th एडिशन में इस स्टार्टअप को प्रेज किया था। नंबर 3 यूनिक स्टार्टअप है दोस्तों फसल। फसल में फार्मर्स को अपने फार्म में एक सिंपल सी मशीन इंस्टॉल करनी होती है और फिर वो मशीन सब कुछ बताती है, जैसे क्रॉप्स कैसे हैं, वाटर कंडीशन क्या है, वेदर फोरकास्ट और हर वो बात जो फार्म से रिलेटेड हो। ये स्टार्टअप 2018 में अनंदा वर्मा और शैलेंद्र तिवारी ने स्टार्ट किया था और आज तक इन्होंने $2 मिलियन तक की फंडिंग रेज की है गवर्नमेंट की हेल्प के साथ। फार्म में अगर कोई कमी है या किसी एक फैक्टर से आपकी यील्ड खराब हो रही है तो ये अपने ऐप के थ्रू फार्मर्स को नोटिफिकेशन सेंड करता है, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ फार्मर्स की लाइफ इजी बनाने के लिए ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एवरेडी है। फोर्थ स्टार्टअप है दोस्तों बिजक। बिजक को निखिल त्रिपाठी, दया राय, जितेंद्र बेदवाल, महेश जकोतिया और नुकुल उपाध्याय ने 2019 में शुरू किया था। आज तक इसने $14.3 बिलियन तक की फंडिंग रेज की है, जिससे 144.2 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है। बिजक डीलर्स और होलसेलर्स को बिजनेस में न्यू सप्लायर्स ढूंढने में, लेजर्स मेंटेन करने में और पेमेंट्स करने में हेल्प करता है। ये गुड़गांव बेस्ड B2B ट्रेड प्लेटफॉर्म 27 स्टेट्स में सर्विस प्रोवाइड करता है और इसके वेबसाइट में 110 कॉमोडिटीज अवेलेबल कराती हैं। और नंबर 5 है दोस्तों विलेज एग्रो। विलेज एग्रो एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहां फार्मर्स फ्रेश और ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोल्ट्री और डेयरी गुड्स मर्चेंट्स और कस्टमर्स को बेच सकते हैं। इनके ऐप का एंड्रॉइड वर्जन तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नडा, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। यहाँ आपको डिलीवरी सर्विस के साथ टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक और मैनेजरियल हेल्प भी मिलती है। 2020 में जहाँ सबको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, वहीं विलेज एग्रो के साथ फार्मर्स को बहुत से बेनिफिट्स मिले। ये IITians के ग्रुप की इनोवेशन है, जिसका मेन फोकस है वेस्टेज को रिड्यूस करना
और सप्लाई चेन को स्मार्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट से बेनिफिशियल बनाना। आज तक 3000 से भी ज्यादा फार्मर्स और 6000 से भी ज्यादा रिटेलर्स ने इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। इसके मेन ऑपरेशन तेलंगाना में है, पर ये बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और पुणे में एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहा है। इंडियन एग्रीटेक स्टार्टअप्स ने टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाकर बेस्ट वे आउट अर्न कर लिया है। लेट्स होप फ्यूचर में और भी बेस्ट रूट्स हमारे फूड जनरेटर्स को मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप ऐसे ही और रिलेटेबल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप किसी स्टार्टअप की इन्फॉर्मेशन या स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें रेकमेंड करें कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप थ्राइविंग।